तेरी ना, तेरी बड़े बाबू बड़ी माँ घर पे नहीं है? नहीं दादा बाबू, दोनों बाहर गए हैं। ओ अच्छा, चलिए दादा बाबू, आपको खाना दे देती हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। वो होगा बाद में, तुझे एक बात बताता हूँ, फटाफट आंसर दे। बोलिए दादा बाबू, क्या बोलेंगे आप? अरे बोलेंगे बोलेंगे, इतना भी जल्दी क्या है? धर, जल्दी बोलिए तो, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा लीला, तेरी शादी हो गया है? दादा बाबू, मैं जैसी लड़की हूँ, कैसे होगी मेरी शादी? मैं जब छोटी थी, मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे, इस पूरे दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कौन करवाएगी मेरी शादी? सुन, तेरी मम्मी पापा गुजर गए तो क्या हुआ, तेरी जो फिगर है ना, तेरी फिगर देखे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। दादा बाबू आप क्या कहना चाहते हैं, माथे पे तेल नहीं है, शैम्पू नहीं है, और गरीब आदमी का फिगर। सुन ना, तेरी जो फिगर है ना, मेरी गर्लफ्रेंड से भी। दादा बाबू, इतनी रात को आप मेरे घर में? ये ले, तेरे लिए कुछ कॉस्मेटिक लेके आया। ये सब मेरे लिए है? ऐसे भी? मतलब तो कुछ है, तेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है और शादी भी अभी तक नहीं हुआ। मुझे मालूम है तेरा शरीर भी कुछ चाहता है, तू टेंशन मत ले, मैं कंफर्टेबल कर दूंगा, और मेरे घर में काम करके जो तनख्वाह मिलता है ना तुझे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है दादा बाबू, अगर कुछ हो गया तो? डरने का क्या, मैं हूं ना। दादा बाबू, दर्द हो रहा है। अरे दर्द तो होगा ही पगली, पहली बार जो था। एक काम कर, ये मेडिसिन खा ले, ठीक है, सारा दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है, खा लेना। बड़ी लड़की की लड़की के साथ शादी फिक्स्ड हो गई। मैं तू
किसी को पता होगा कहाँ खो गई थी और कैसे कपड़े पहन कर रखे थे। मेरा एक दूसरा नाम रोनिका और तुम मेरे पेट में बच्चा रख के दूसरी किसी की लड़की के साथ शादी करोगे, ये मैं कैसे होने दूंगी। ये तू क्या बोल रही है और इस सब का क्या मतलब है? मतलब बहुत इजी है। तूने जो मुझे अनवांटेड दिया था ना, मैंने नहीं खाया, और अगर मैं वो खा लेती तो तेरे जैसे बड़े बाप के गधे के बच्चे को मैं कैसे फंसाती। और सुन, मुझे 5 लाख रुपए दे, मेरे पेट में जो तेरा बच्चा पल रहा है ना, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस दिन तेरी शादी है, तेरी वाइफ के सामने खड़े होके मैं बोलूंगी कि मेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है, और तेरी शादी ना मैं घुसा दूंगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं 5 लाख दे दूंगा, और कब कहाँ पैसे लेके आना होगा बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। तारीख और समय मैं तुमको बोल दूंगी। ओके बाय। दोस्तों, घर में काम वाली बाई अगर रखते हो तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। गृहकर्मी कतरिक ऐसा आश्चर्य घटना वर्तमान में रोज घट रहा है। हो सकता है गृहकर्मी की आड़ में बड़ा गई चक्र आपको खाद में फैलने के लिए कुछ भी उपाय ढूंढ रहा है, तो सावधान रहिए।